हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं होनर की तरफ से आने वाले स्पोर्ट्स ब्लूटूथ ईयरफोन्स को, जिसको आप गेमिंग में भी यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो भाई। जैसे कि देख सकते हो, मेरा बॉक्स आ चुका है और इस पर क्या क्या मेंशन किया गया आप सब कुछ देख सकते हो। MRP डाला हुआ 4000 में, लेकिन मेरे को पड़ा 1000 रुपीज़ का अमेजोन से। अगर आपको बाय करना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाकर इसको डायरेक्टली बाय कर सकते हो। इन कलर वेरियंट्स में आपको ये मिल जाएगा। तो जल्दी से हम इसको जल्दी से ओपन कर लेते हैं। तो ये है हमारी सील, अगर ये ना हो तो इसको आप इजीली रिटर्न कर सकते हो। तो हम जल्दी से ओपन करते हैं। और ये भाई, ये खोल दिया। ओ भाई, ये तो उल्टा खुल गया, उल्टा खुल चुका है। रुको, बॉक्स में और कुछ भी नहीं है। तो देख सकते हैं इसमें क्या क्या मिलता है। एक बैग मिलता है इसमें। बैग में भाई क्या क्या मिलेगा अभी देखते हैं। हम खोलते हैं इसको, सबसे पहले खोलते हैं। इस बैग में आपको एक्स्ट्रा ईयरबड्स मिल जाते हैं कुछ, जो कि आप अपने ईयरफोन में लगा सकते हो, जगह आपके वो ख़राब हो जाएं तो। और एक मिलती है चार्जिंग केबल, जिसको कि आप यूज़ कर सकते हो चार्जिंग के लिए। लेकिन आपको चार्जर नहीं मिलता, आपको सिंपली फ़ोन वाला चार्जर आपके पास होगा, उसी से आप इसको चार्ज कर सकते हो 5 वोल्ट 1 एम्पियर वाले चार्जर से। और बॉक्स में आपको कुछ नहीं और मिलता, आपको एक ईयरफोन मिलता है, जो कि मिलना ही था, जिसके लिए हमको पैसे पे किए हैं, वो तो मिलना ही है। तो देख सकते हो भाई, क्वालिटी एक नंबर आपको मिलती है। हाथ लगाने से ही पता चल जाता है क्वालिटी कितनी ख़तरनाक वाली आपको यहाँ पर क्वालिटी मिलती है। और इसके बैक साइड में नियोडेमियम मैग्नेट्स हैं, जो कि स्पीकर का भी काम करते हैं और इसको बैक साइड से चिपकाने का भी काम करते हैं। और इसके बॉक्स के नीचे आपको कुछ का मैनुअल मिलता है, मैनुअल गाइड मिलती है। भाई साहब, पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। मैनुअल गाइड मिलती है और वारंटी कार्ड मिलता है, 1 ईयर की वारंटी आपको मिल जाती है इसमें। जैसा कि देख सकते हो, अब ईयरफोन्स देखते हैं अपने कैसे हैं। यहाँ पर आपको लोगो मिल जाता है होनर का, और जो ईयरफोन के ऊपर दे रखे हैं ना ईयरपैड्स, जो कर्व शेप के हैं, ये हमारे ईयर में इजीली फिट हो जाएंगे और मतलब बार बार निकलेगा नहीं ईयरफोन। ये काफ़ी अच्छी बात है इसकी, ये डिज़ाइन बनाया हुआ है, ये बहुत अच्छा डिज़ाइन है। और दोस्तों, आपको इसकी वायर की क्वालिटी तो भाई मस्त है, बिल्कुल बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी वाइज आपको जो इसका वायर वो मिल जाता है, बिल्कुल ही प्रीमियम कहें तो, लोकल क्वालिटी लगी नहीं रही है कहीं से। और ओवरऑल बॉक्स में अगर बताएं तो आपको ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। सबसे अच्छी बात मुझे इस ईयरफोन की लगी दोस्तों, कि ये सभी के कानों में फिट हो जाता है, चाहे आपका कान कैसा भी हो, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो, मतलब फ़िट हो जाता है। जो कर्व शेप में ऊपर रबर टाइप आया हुआ था ना, उससे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है इसको, और वो निकलने नहीं वाला ईजीली, तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाए उससे। तो अगर इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में बात करें तो दोस्तों, साउंड क्वालिटी आपको सही ठीक ठाक से मिल जाती है। नो कॉम्प्रोमाइज़ कहूँगा, बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है साउंड क्वालिटी को लेकर और बिल्ड क्वालिटी को लेकर। बिल्ड क्वालिटी भी मस्त मिलती है और साउंड क्वालिटी तो बहुत ही मस्त मिल जाती है आपको। आप मतलब इजीली यूज़ कर सकते हो इसको गेमिंग के लिए और म्यूज़िक के लिए, तो बहुत अच्छे तरह अच्छे से कर सकते हो। दोस्तों, मुझको इसकी एक बात काफ़ी ख़राब लगी है, जैसे कि अगर आपने ऑलरेडी इसको एक डिवाइस से कनेक्ट कर रखा और आप यूज़ कर रहे हो, लेकिन आप दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करना चाहते हो, तो आपको इसको फैक्ट्री रीसेट करना पड़ेगा, जो कि होगा इसके मिडल बटन फंक्शन बटन से होगा, जिसको आपको 10 सेकेंड प्रेस करना पड़ेगा और उसके बाद ये फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। उसी के बाद आप इसको कनेक्ट कर सकते हो अपने दूसरे डिवाइस से। तो दोस्तों, मुझे तो ये वाला फीचर ज़्यादा अच्छा नहीं लगा है, आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो तब तक के लिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।